हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नौशीन खान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड सेफ होंगे अपने अपने घरों पे। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी ब्लू हेवन बीबी क्रीम का शेड गाइड। इसमें मैं आपको बताऊँगी कौन सा शेड आपको लेना है। ऐसे इसमें तीन शेड है, बट मैं आपको बताऊँगी कि तीन शेड जो है वो किस स्किन टोन के लिए बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम बीबी क्रीम ले रहे हैं तो कोई भी स्किन कलर का हम ले लें, उससे हमारी स्किन अलग दिखेगी। और बीबी क्रीम में ऑलमोस्ट ज़्यादा कवरेज नहीं होता है, तो अगर हम कोई भी बीबी क्रीम ले रहे हैं तो हमें सोच समझ के लेना होता है। एंड इस ब्लू हेवन के बीबी क्रीम में फेयरनेस एंड फाउंडेशन बीबी क्रीम क्लेम किया गया है, बट इसका रिव्यू अगर आपको चाहिए तो मैं सेपरेटली रिव्यू आपको शेयर कर दूंगी। बट मैं अभी सिर्फ शेड गाइड की बात कर रही हूँ, तो मैं वहीं पे रहना चाहती हूँ कि मैं आप सबसे शेड गाइड ही शेयर करूँ। तो ये जो शेड गाइड है, ऑलमोस्ट मैं आपको बताऊँगी कौन सा स्किन पे कौन सा बीबी क्रीम शेड हमें लेना है, किस अंडरटोन वालों को लेना है और किस अंडरटोन वालों को नहीं लेना है, किस स्किन टाइप के लोगों को लेना है और किस स्किन टाइप के लोगों को नहीं लेना है। तो ये होगा इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को जरूर से शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को भी जरूर से शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं। मैं आपको आपका शेड अब बताने जा रही हूँ, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस बीबी क्रीम का जो फर्स्ट शेड है वो है मीडियम स्किन टोन प्लस येलो अंडरटोन वालों के लिए। अगर आपकी स्किन जो है वो मीडियम है और आपका जो अंडरटोन है वो येलो है, देन आपको जो शेड लेना है वो हनी। हनी जो शेड है गाइज, हनी मैं साथ साथ नंबर भी बता दे रही हूँ, हनी 301 हनी, ये है शेड का नाम और नंबर मैंने दोनों मेंशन कर दिया है। हनी जो है वो नेम है एंड नंबर है 301। सो अगर आप मीडियम स्किन टोन हो और आपका जो अंडरटोन है वो येलो है, देन आपको जो शेड लेना है वो हनी। ये बिल्कुल अच्छा जाएगा आपके ऊपर, प्लीज़ ट्राई करें। और ये येलो अंडरटोन के लिए है, अगर आप भी येलो अंडरटोन हो तो अपने लिए ये शेड ले सकते हो। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको आपका स्किन टोन और अंडरटोन समझ में नहीं आता है, दुश्वारी होती है, दिक्कत होती है समझने में, तो मैंने एक सेपरेट रिव्यू वीडियो बनाया हुआ है, वो आप ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। सो वो वीडियो आप देख सकते हैं। एंड मैंने मार्स के बीबी क्रीम का भी शेड गाइड किया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं। एंड मैंने ब्लू हेवन जो न्यू लॉन्च हुआ है उसका फाउंडेशन का मैंने शेड गाइड किया है, वो सारी वीडियोस भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, तो ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट शेड के ऊपर बात कर लेते हैं। हमारा जो दूसरा शेड है वो है फेयर स्किन टोन के लिए और न्यूट्रल अंडरटोन के लिए। अगर आपका भी फेयर स्किन टोन है और आप न्यूट्रल अंडरटोन हो तो आपको जो शेड लेना है वो है क्रीम 201, ठीक है। तो 201 जो है वो नंबर है और क्रीम है शेड का नाम। तो अगर आप फेयर स्किन टोन हो और आपका न्यूट्रल अंडरटोन है, देन जाओ और अपने लिए क्रीम शेड ले लो, अगर आपको ये बीबी क्रीम परचेज करनी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक कर दे, इस वीडियो को शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो अगर आप फेयर हो न्यूट्रल अंडरटोन हो तो क्रीम शेड आपको लेना है। तो चलिए हम नेक्स्ट शेड के ऊपर बात कर लेते हैं। लास्ट शेड है इस बीबी क्रीम का मीडियम डार्क स्किन टोन प्लस येलो अंडरटोन के लिए। अगर आप मीडियम डार्क स्किन टोन हो, आपका जो अंडरटोन वो येलो है, देन आपको जो शेड लेना है वो है कैरमल 401। सो कैरमल 401 जो शेड है वो है मीडियम डार्क स्किन टोन के लिए, मीडियम डस्की स्किन टोन के लिए, और अंडरटोन होना चाहिए येलो। सो इसमें जो दो शेड्स है वो येलो अंडरटोन के लिए और एक शेड है न्यूट्रल अंडरटोन के लिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। मीडियम डार्क स्किन टोन के लिए जो शेड है वो है कैरेमल 401। तो आई होप आपको समझ में आ गई हो, अच्छी लगी हो वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कर दे, इस वीडियो को शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं इस तरह की वीडियोज़ लेके आती रहती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक कर लीजिएगा। और आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो, नौशीन 381 मेरी आईडी है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो मेंशन हो जाएगा। तो या गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय गाइस।